हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हैं। चलें जी, आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमेशा की तरह बहुत प्यारी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चले जी, तो ये देखिए जी, हमने सारे बालों को पहले तो अच्छी तरह से कॉम कर लिया है, और जी उसके बाद हमने जी इतने बाल उठा लेने हैं जितने का आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं। इतने बाल मतलब हाफ जो हमारा सर है उसके बाल आप लोगों ने उठा लेने हैं, और आपने अच्छी तरह से रबर बैंड लगा देनी है। ये देखें जी, रबर बैंड हमने अच्छी तरह से टाइट करके जो है वो लगा ली है, और जी अब इन बालों को हम बड़े प्यार से यहाँ आगे रख लेंगे। अब जी हमारे जो हाफ सर के बाल हैं, यानी कि जो हमारे बैक साइड पे बाल है ना, इनको भी हम अच्छी तरह से काबू में कर लेंगे, और जी टाइट करके रबर बैंड जो है वो लगा देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है, आपको बहुत पसंद आएगा मुझे उम्मीद है, और आप भी बताइएगा। ये देखें जी, तो पोनीटेल हमने कर ली है, ठीक है, ये देखें टाइट करके। जी अच्छे करेंगे तो इससे अच्छा जी बहुत सिंपल है, आपने थोड़ा सा जो है वो ध्यान से देखना है, आपको बहुत इजी लगेगा ये वाला हेयर स्टाइल। आपको इस हेयर स्टाइल में ज्यादा कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कॉम। कॉम तो हम सबके पास होती है, और हमें जी थोड़ी सी रबर बैंड चाहिए होंगी, और जी हमारा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने बालों के हिस्से बनाने हैं, और बाकी आपको नजर आ रहा है क्या करना है। मुझे कोई बहुत ज्यादा आसान जो है वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं आपको, बट देख के इंसान को ज्यादा समझ आता है, तो मैं इसीलिए जो है वो आपको कह रही हूँ कि आप इसे ध्यान से जो है वो देखें। इस हेयर स्टाइल में जो है आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगी, क्योंकि जी ये वाला हेयर स्टाइल है इतना जो है ना वो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा, आपको जो है वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। हम देखिए कितने आराम और प्यार से हेयर स्टाइल को बना रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे ही अपने बालों को ट्रीट करना है जैसे एक छोटे बेबी को ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये हमारे बाल भी तो हमारे अपने ही है ना, मैं तो इनको बेबी की तरह ट्रीट करती हूँ। बस जो है ना बहुत केयर करनी पड़ती है, और केयर करने के बाद ही आपको जो है ना वो फिर फल मिलता है, मेहनत का फल तो मिल के ही रहता है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम में, चाहे वो कोई भी काम है। आप भी कुछ अचीव करना चाहते हैं या चाहती हैं तो मेहनत कीजिए उस पे, और इंशाल्लाह वो जरूर होगा। देखिए अब सिर्फ हमें रबर बैंड की जरूरत है, और जस्ट हमारे बाल हैं, और हमारा हेयर स्टाइल जो है वो बड़ा ही प्यारा जो है वो बनता जा रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा आप लोगों ने अपने फिंगर की मदद से इस चीज को जो है वो पुल करना है, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना हमारा वॉल्यूम वाले जो है ना वो चीज लगे, और जरा अच्छा सा हमारा हेयर स्टाइल जो है ना वो जरा लगे, और आपको पसंद नहीं है ये, आप लोगों ने जो है, आपका दिल चाहता है आप कहीं भी जो है ना ये हेयर स्टाइल करके जा सकती हैं,
क्योंकि ये हम लोग अगर ऐसे सिंपल करें तो इसे हम एवरीडे घर पे भी बना सकते हैं। कहीं जाना चाहें तो हम इसमें स्टोन लगा के तो हम इसको वो भी कर सकते हैं। सो हम इसको पार्टी गोइंग भी बना सकते हैं, और इसको कहीं मिलाद पे जा रहे हैं, किसी कवाली में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। बस हमें कैरी करने का तरीका आना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो खुद से लड़ाना पड़ता है। बाकी हम तो हैं ही आपको सिखाने के लिए। फ्यूचर वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलेगा, और बाकी आप भी अपनी राय का इजहार किया करें, अच्छा लगता है। ये देखें आप, सारे बाल हमारे कितने स्लीक स्मूथ लग रहे हैं और बहुत ही डिसेंट जो है वो लग रहे हैं। अच्छा, बाल कवर हुए हुए जो है ना, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप चिपकू बन जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रही। थोड़ा सा मतलब कि आप डिसेंट अगर बाल सिमटे हुए हो ना तो वो बहुत ही डिसेंट लगता है बंदा। मैंने ये नोटिस किया है, मुझे खुद पे तो जितने बाल सिमटे हुए होते हैं ना और जितने बाल कवर हुए हुए होते हैं वो ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, और खुले हुए मुझे लगता है कि वो इतने डिसेंट लुक जो है ना वो नहीं देते हैं। और हर वक्त बंदा खुले बाल रख भी नहीं सकता, और जो है वो कैरी भी नहीं किए जाते हैं। कभी कभी दिल चाहता है कि बाल कवर हो और हम अच्छे भी लगें, हर वक्त तो बाल ओपन करके हम लोग जो है वो नहीं, है ना, जो गर्ल्स हैं वो हम लोग बोर हो जाती हैं। हमें बाल कभी ओपन चाहिए, कभी हमें जो है वो बाल जो है वो कवर चाहिए, बंधे हुए हों, अच्छे से फोल्ड हो, कभी बन चाहिए, कभी कर्ल किए हुए हों, कभी ब्रेड की हुई हो, कभी कुछ। तो ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है, अपने अपने मूड की बात होती है ये, ठीक है। तो ये देखें जी, आप चाहें तो आप वन बाय वन करके कलर रबर बैंड का चेंज कर सकती हैं। हमें जो कलर हमारे पास अवेलेबल है हम वो यूज़ करते जा रहे हैं। आपके पास जो सा कलर आसानी से हो, आपको मिल जाए, वो कलर यूज़ करती जाए आप। ये नहीं कि आपके पास हमारे वाले कलर होंगे तो ये बनेगा, नहीं, आप इससे भी अच्छे कलर यूज कर सकते हैं। हमें तो जो बस मिलता जा रहा है हम वो लगाते जा रहे हैं। बस स्मॉल स्मॉल साइज की जो है ना वो रबड़ बैंड होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखिएगा, बड़े साइज की जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। हम पुल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप यकीन करें, बट हमारे बालों का वेट माशाल्लाह से बहुत जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो वो पुल भी कर लें तो जब नीचे की तरफ वेट आता है तो वो बाल वहां पे रुक नहीं सकते हैं। आप अगर करेंगे, बाल आपके मीडियम टू शॉर्ट लेंथ के हैं तो बहुत खूबसूरत बन के हेयर स्टाइल जो है वो आएगा। ये देखें, देखें आप फुल जो है वो दिखाएं जरा। ये देखें जी कितना अच्छा लग रहा है ये। चलें जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।